नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बालों का गिरना, गंजापन या एलोपेशिया जैसे जो भी डिजीजेस है, रोग है, इससे ना ही बाल गिर जाते हैं लेकिन जो सफरर है, जो रोगी है, उसका जो आत्मविश्वास है वो भी बहुत कम हो जाता है या वो भी गिर जाता है। हालांकि सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन सोसाइटी में ऐसा होता है और वो बहुत ऐसे जो सेल्फ डिप्रेस हो जाते हैं, वो खुद अपने आप फील करने लगते हैं कि मैं देखने लायक नहीं हूँ या मैं कहीं पे जाने के लायक नहीं हूँ, सोशल एम्बैरेसमेंट शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे गंजेपन मतलब बाल्डनेस के बारे में या एक्सेसिव हेयर लॉस के बारे में, हेयर थिनिंग के बारे में, या एलोपेशिया एरिएटा जो कि पैची हेयर लॉस बोलते हैं हम। किसी किसी को आपने देखा होगा कि बालों में, स्कैल्प में बात कर रहा हूं मैं, बालों में कुछ ऐसे राउंड राउंड करके पैचेस हो जाते हैं जहां पे बिल्कुल बाल नहीं रहते, तो इसको बोलते हैं हम एलोपेशिया एरिएटा। और ये अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए तो बाल्डनेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करके हम कंसिडर करते हैं जहां पे हमारा खुद का इम्यूनिटी जो है वो हमारे विरुद्ध ही काम करने को शुरू हो जाता है। ये एक चीज है। दूसरा चीज है मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या हार्मोन्स के वजह से, नॉट इम्बैलेंस एग्जैक्टली, हार्मोन्स के वजह से हेयर लाइन जो है वो रिसीडिंग होने को शुरू हो जाती है अराउंड 30-35 जब पहुंच जाते हैं मेल्स यूजुअली। तो इन सारे चीजों को हम आयुर्वेद में खालित्य करके कंसिडर करते हैं और चाहे इसके अलग अलग नाम हो, अलग अलग कारण हो, लेकिन आयुर्वेद में हम इसको खालित्य बोलते हैं। और किसी किसी के मूंछों के बाल भी निकल जाते हैं, किसी किसी के दाढ़ी के बाल भी ऐसे राउंड राउंड पैचेस होके निकल जाते हैं जिसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं, और पूरे बॉडी के अगर बाल गिर रहे हैं तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। सब चीजों को हम मिला के बोलते हैं खालित्य आयुर्वेद में। तो इसमें थोड़े मैं टिप्स देने वाला हूँ, ये था इंट्रोडक्शन डिसीज के बारे में, थोड़े टिप्स दूंगा मैं। टिप्स में आगे आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको बाइफरकेट करेंगे। पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में, तो क्या क्या डाइट हमको नहीं लेना चाहिए अगर ऐसे बाल्डनेस हो रहा है या ऐसे बाल गिर रहा है। इसके बाद में रीग्रोथ के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, तो रीग्रोथ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन है बॉडी में, तो मैं प्रिफर करूंगा कि हम ऐसा टेक केयर करें कि बाल ज्यादा ना गिरे, मतलब हेयर लॉस को ही हम कंट्रोल करना मैं बेहतर मानता हूं, क्योंकि एक बार अगर वो निकल गया तो रीग्रोथ का जो है वो किसी किसी में आ सकता है, किसी किसी में नहीं आ सकता है, तो इट इज नॉट वेरी मच पक्का कि आएगा ही। तो इससे अच्छा है हम अच्छे से डाइट वगैरह फॉलो करके हेयर लॉस को हम कम कर लें, जो कि अगर फिजियोलॉजिकल नहीं है। तो उसमें डाइट में मैं बोल रहा था कि बहुत अचार, बहुत ज्यादा अचार, मिर्च, नमक, अगर ये हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तीखा सब्सटेंस जो है बाहर का खाना, तला हुआ अगर हम बहुत खा रहे हैं तो इससे बाल बहुत झड़ सकते हैं। दूसरा चीज है बहुत हार्श शैम्पूइंग करना या बार बार शैम्पू उसको बदलते रहना, इससे भी बाल बहुत झड़ सकते हैं, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरसाइज में हमेशा अलॉन्ग विथ अदर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो या प्राणायाम हो, शीर्षासन जिसमें हम सर को नीचे करके पैर को ऊपर करते हैं, अगर सब स्वस्थ हैं तो शीर्षासन कर सकते हैं, नहीं तो इसका सब्स्टिट्यूट है सर्वांगासन जो शोल्डर स्टैंड बोलते हैं, उसको भी 2 मिनट सुबह में खाली पेट अगर हम करते आएंगे तो इससे बहुत ही लाभ होगा एक्सेसिव हेयर लॉस में। और इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं आयुर्वेद में, तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जहां पे एक हमें हमारा निदान मतलब कारण जो है ये हेयर लॉस के लिए हम बोलते हैं पित्त दोष, मतलब अगर हमारा हमारे शरीर में जो रक्त है अगर वो दूषित हो जाए तो इससे बालों का क्वालिटी जो है वो कम हो जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो हमें कुल मिला के ये बालों, ये रक्त का जो गुण है उसको हमको बढ़ाना चाहिए, रक्त का जो क्वालिटी है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं पंचकर्मा में, जैसे विरेचन हो या उसके बाद हम प्रोसीजर करते हैं जोंक से, जो हम बोलते हैं लीच थेरेपी, वहां से जो लीच है अगर वो पैची हेयर लॉस हुआ है तो वहां पे हम लीच छोड़ के जो दूषित रक्त है वहां से हम निकाल लेते हैं, और इससे हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहां पे बाल आने को उठने को शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और एक प्रोसीजर है लीच थेरेपी और प्रच्छन्न हम बोलते हैं, प्रच्छन्न जिसमें हम एक छोटा सा सुई लेके
जहां पे हेयर लॉस हुआ है वहां पे हम धीरे 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 प्रिक कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न। और ये आता है रक्त मोक्षण करके एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा में, एक तो विरेचन हो गया, दूसरा है रक्त मोक्षण, और तीन अलग ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम सिर्फ बालों का ही बात कर रहे हैं। तो रक्त मोक्षण भी बहुत ही उपयोगकारी हो सकता है, जो एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं और नियर बाय आयुर्वेद डॉक्टर सबको हेल्प करेंगे। तो इतने चीजों को बोलने के बाद एक इम्पोर्टेंट अगेन मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि रीग्रोथ के बारे में बहुत ही मिसनॉमर्स हैं सोसाइटी में। तो इस चीज को लेके बहुत लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं कि हेयर रीग्रोथ हो जाएगा, हेयर ग्रो हो जाएगा। तो एक चीज अगेन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रोसेस है रीग्रोथ वाला। तो इससे अच्छा है जो नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस है उसको छोड़ के अगर ज्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं, समझ लीजिए कि दिन में 100 के ऊपर हमारे बाल निकल रहे हैं सर से, तो तभी वी शुड गेट अलर्ट एंड उस टाइम पे हमको ये सब सप्लीमेंटेशन या ट्रीटमेंट्स या शीर्षासन या डाइट सब फॉलो करने के लिए शुरू कर देना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि विटामिन डी अगर हमारा कम है तब भी डी और बी12 कम है तो भी हमारे बाल झड़ सकते हैं, तो उसको हम खून के टेस्ट के बाद एनालाइज करके डायग्नोस करके बाद में सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। तो ये था बालों के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो आपके लिए। नव भारत टाइम्स में जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी वीडियोस आ रहे हैं, उनको जरूर लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और नव भारत टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप लेके, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। आपका डॉक्टर शरद कुलकर्णी आपको नमन करता है।